हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने 29 मई के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। हमारा रोज का करंट अफेयर हमारे बैक बेंचर्स करके यूट्यूब चैनल है, इसमें अपलोड हो जाते हैं। तो जो भी हमारा करंट अफेयर आप लोग चाहते हैं वो जाकर हमारे बैक बेंचर्स के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे करंट अफेयर करके बना हुआ है हमारा प्लेलिस्ट, उसमें रोज का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर की। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे? जो नए अध्यक्ष होंगे एनडीबी के वो हैं आपको मार्कोस टैजो। और यहाँ पे एक वर्ड आया आपका एनडीबी। मैं एनडीबी की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ओके। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो इस्टेब्लिशमेंट डे है आपका 15 जुलाई 2014। और उसकी मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है आपके चीन में। और चीन कहाँ पड़ता है? आपका संघाई, राइट। संघाई के चीन में इसका आपका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष है अभी आपको के बी कमत। इसके कौन है? आपके अभी अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, जो आपकी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, इसके नए एमडी और सीईओ किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है एस एन राजेश्वरी। और मैं बात करूँ यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये जो कंपनी है इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट है वो हुई है 15 सितंबर 1947 को। और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ से आपको बताते जा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेज दिवस, जिसे इंटरनेशनल एवरेज डे भी कहा जाता है, ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका 29 मई को, राइट। और यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। 1953 ईस्वी में 29 मई को नेपाल के तेनजिंग नार्गे और न्यूजीलैंड के एंड एम्ड हिलरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कौन बने थे? आपके तेनजिंग नार्गे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नाम, तेनजिंग। मैंने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिया, एक है तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलरी। इन्होंने सबसे पहले सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी एवरेस्ट की। और इस दिवस को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर वर्ष 29 मई को क्या किया जाता है? एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? नेपाल देश ने की थी, राइट। क्योंकि जो एवरेस्ट है कहाँ आता है? आपका नेपाल में ही आता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ, ये जो एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 8848 मीटर है, राइट। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा, कहाँ? सागरमाथा के नाम में से तिब्बत में चोलो लुंगम नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है चोलो लुंगमा के नाम से जाना जाता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक घटने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया 5% की क्या हो सकती है? यहाँ पे कमी आ सकती है। ये कटौती विकास दर में COVID-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन पर पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों की आई मंदी के कारण हुई है। तो मेनली इसका कारण क्यों है ये मंदी आने का? ये है लॉकडाउन, जिसके वजह से महामारी जो आपका COVID-19 आया था तो लॉकडाउन हुए, और इसके वजह से देश में आर्थिक गतिविधि में क्या आ गई? मंदी आ गई आपकी। और यहाँ एक वर्ड आया है आपका GDP। मैं GDP की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका S&P ग्लोबल रेटिंग, राइट। मैं इसकी बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपको स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने राइट्स इशू से संबंधित प्रश्नों का जवाब देने के लिए व्हाट्सएप चैट बैट लॉन्च किया है? ये व्हाट्सएप चैट बैट लॉन्च किसने किया है? ये किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है RIL। मैं इसकी बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1900
73 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसके संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी राइट। और इसके अभी चेयरमैन और एमडी की बात करूँ तो वो है आपके मुकेश अंबानी, जो कि व्हाट्सएप चैट बैट लॉन्च किए हैं किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सिहान मंदुसका को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया गया है? यह है आपके श्रीलंका के। इन्हें क्या किया गया है? सभी क्रिकेट फॉर्मेट से क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। यह इंसान कौन है? आपके सिहान मंदुसका, जो है श्रीलंका के। और मैं बात करता हूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका किस महाद्वीप में आता है? ये आता है आपका एशिया में। इसकी राजधानी की बात करूँ तो ये क्या है? कोलंबो, राइट। यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है आपको रुपया। और राष्ट्रपति की मैं बात करूँ तो वो है गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे, राइट। और इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट, ये क्या करता है? अलग करता है इंडिया और श्रीलंका को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस भारतीय सेना के स्क्वैड फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आपको वायुसेना में, यानी कि एयर, जो हमारे इंडियन एयर स्ट्राइक है उसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। किसे? ये फ्लाइंग बुलेट्स में तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान को वायुसेना में क्या किया गया? लिया गया। ये जो आपका तेजस लड़ाकू विमान है, एक क्या है? एकल इंजन है, यानी कि एक इंजन है, हल्के वजन का है और सभी मौसम में बहु भूमिका निभाने वाला एक लड़ाकू विमान है। और ये हवा में ईंधन भरने में भी सक्षम है। और क्या? और इस तरह के विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला क्या होगा? स्क्वाड्रन होगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए क्या हुआ, ये चीज़ को शामिल किया गया है, लड़ाकू विमान MK1 FOC को। और मैं बात करूँ यहाँ पे वायुसेना की, तो ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स। और मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये है 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। और वायुसेना दिवस जो हमारी मनाई जाती है, वो मनाई जाती है 8 अक्टूबर को। और वायुसेना के अभी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आपके एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया। कौन है आपके वायुसेना के अध्यक्ष? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? यह सेबी ने NHAI पे कितने लाख का जुर्माना लगाया? तो ये लगाया गया 7 लाख का जुर्माना लगाया गया। यहाँ पे मैं बात करूँ सेबी की, तो सेबी जो है आपकी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। और भारत में जितने भी शेयर मार्केट है, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं, राइट। और BSE के अंदर आते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसे सेबी रेगुलेट करता है। ये जो आपके हो गए NSE और आपके एक हो गए BSE, ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। इसे कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसे कहते हैं आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इस दोनों को रेगुलेट कौन करता है? ये करता है सेबी। तो आपको पता चल गया होगा सेबी का काम क्या है और सेबी की फुल फॉर्म क्या होते हैं? सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1992 में। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको मुंबई में, राइट। और CEO इसके कौन है? अजय त्यागी। यहाँ पे एक और वर्ड आया है NHAI, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1995 में। मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष है आपको सुखबीर सिंह संधु। कौन? सुखबीर सिंह
संधू। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ से मैंने आपको करवा दिया, आप इसके नोट्स साथ में बनाते चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आपके फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी ने क्या किया, MOU पर कर्नाटक मैंगो बोर्ड के साथ सिग्नेचर किया है। इस साझेदारी में, ये जो साझेदारी हुई है दोनों के बीच, इसमें माध्यम से प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को अपने फल उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री करने में मदद मिलेगी। किसे? किसानों को अपने फल उत्पाद और ऑनलाइन बिक्री में क्या करने के लिए मदद मिलेगी। और ये जो आपका फ्लिपकार्ट वर्ड है, ये कहाँ की है? ये ई कॉमर्स कंपनी है और हमारी इंडिया की ही कंपनी है। और इसकी पेरेंट कंपनी की मैं बात करूँ तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? पेरेंट कंपनी है आपकी वॉलमार्ट, राइट। और यहाँ की स्थापना कब हुई थी? 2007 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मैंने बताया जैसा कि इंडिया में है, यह है बेंगलुरु कर्नाटक में, राइट। और CEO इसके कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति, राइट। और इसके जो मेन फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? ये दो दोस्त थे, एक थे सचिन बंसल और है आपके बिन्नी बंसल। ये दोनों पहले अमेज़न में काम करते थे, वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीख के फिर क्या किया, अपनी खुद की कंपनी फ्लिपकार्ट को स्टार्ट कर लिए थे, ये सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दसवां कहता है, हाल ही में किसने AI वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट चैट टैब PAI को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने किया है। यहाँ पे बात करूँ इस चैट बैट का, वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे फैट्स हो गया, रुपए हो गए, UPI हो गया, AEPS हो गया, के बारे में लोगों को जागरूक बढ़ाने के लिए किया गया है। ये जो आपका PAI है, किस लिए किया गया? लोगों को जागरूक करने के लिए। यहाँ पे वर्ड आया है एक AI, राइट। AI, यदि मैं इसे देखूँ तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एक कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों के तरह सोचने की क्षमता विकसित होती है। जिस तरीके से इंसान सोच सकते हैं उसी तरह से मशीन भी सोच सकती है, यही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। और यहाँ पे एक वर्ड आया आपका NPCI। मैं इसकी बात करूँ तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसकी स्थापना हुई थी आपको 2008 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई और इसके अध्यक्ष है आपके बिस्वामोहन महापात्रा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक गिरने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 5% तक क्या होगा, GDP को नीचे आना पड़ेगा। ये है फिच रेटिंग्स, राइट। और फिच रेटिंग्स क्या है? एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कहाँ की है? ये अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, राइट। इसकी स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? यूएसए के कहाँ? न्यूयॉर्क में, राइट। और इसके CEO है आपके पॉल टेलर। कौन है? पॉल टेलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किस IIT ने कोरो में स्टील अल्मूनियम को बदलने के लिए हल्के वजन की मिश्र धातु तैयार की है? तो ये तैयार की है आपकी IIT मद्रास ने। यहाँ पे मैं IIT मद्रास की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन IIT की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में पुस्तक द लकाबॉग का ऑनलाइन विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है JK Rowling। कौन है आपके? JK Rowling। ये जो JK Rowling है, एक प्रसिद्ध क्या है, हैरी पॉटर पुस्तक के भी लेखक है। ये हैरी पॉटर का आप लोग नाम सुना होगा, मूवी भी देखा होगा। तो इस पुस्तक के भी लेखक कौन है आपके? JK Rowling। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी है द लैकवॉक, जो कि ऑनलाइन इनका क्या किया गया, विमोचन कर दिया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है? मतलब कि ड्रोन हेलीकॉप्टर से क्या किया है, इसका परीक्षण किया गया है, इसमें आदमी नहीं बैठेंगे, इसमें ड्रोन बैठेंगे। तो ये किया है AR-500C ने, राइट। और आपको पता होगा ये किया कौन किया, चीन किया। और चीन की किस महाद्वीप में आता है, एशिया में आता है। इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है, बीजिंग है। यहाँ की करेंसी क्या है आपको, रेन मिनबी यानी कि युआन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, सिन जिनपिंग, सी जिन पिंग, राइट। और आपका AR-500C क्या है, यहाँ का जो नया हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित मुजतबा हुसैन का क्या हुआ, निधन हो गया। कौन, मुजतबा हुसैन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे, ये रखते थे उर्दू लेखक। ये कौन थे, एक उर्दू लेखक थे जिनका निधन हो गया है, जिनका नाम क्या था, मुजतबा हुसैन, राइट। तो आज के सारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, आप इसका नोट्स बना लीजिए और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एक से दो बार आप वीडियो को देखोगे तो क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएगा। और मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से हर क्वेश्चन के एक यूनिक पार्ट जो भी हो सकता था मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर किया करें, कॉमेंट जरूर करें, इससे मुझे पता चलता है कि मैंने वीडियो कैसे बनाई। और किसी तरह का फीडबैक हो तो वो भी आप हमें दे सकते हो। तो हमारा जब आप बैक बेंचर्स के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ मैथ और इंग्लिश के भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो कुछ वीडियो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको इंग्लिश की समझाई हुई है, मैथ का रेशियो प्रोपोर्शन पूरा आपको पार्ट दे रखा है, तो यहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।